नववर्ष के अवसर पर ही मां शारदा का नवनिर्मित मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और ये पूरे भारत के श्रद्धालुओं के लिए एक शुभ संकेत है। आज मां शारदा के मंदिर का उद्घाटन एक नए युग की शुरुआत है, ये बातें कहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से कुपवाड़ा में मां शारदा देवी का उद्घाटन कर रहे थे। शाह ने कहा, इस मंदिर की वास्तुकला और निर्माण शारदा पीठ के तत्वाधान में पौराणिक शास्त्रों के अनुसार किया गया है। श्रृंगेरी मठ द्वारा दान की गई शारदा माँ की मूर्ति को 24 जनवरी से लेकर यहां स्थापित करने तक एक यात्रा के रूप में लाया गया है। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा में मां शारदा के मंदिर का पुनर्निर्माण होना है, शारदा सभ्यता की खोज और शारदा लिपि के संवर्धन की दिशा में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कदम है। शाह ने कहा कि एक जमाने में भारतीय उपमहाद्वीप में शारदा पीठ ज्ञान का केंद्र माना जाता था। शास्त्रों और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में देश भर के विद्वान यहाँ जाते थे। उन्होंने कहा कि शारदा लिपि हमारे कश्मीर की मूल लिपि है, जिसका नाम भी माँ के नाम के आधार पर रखा गया है। ये महाशक्ति पीठों में से एक और मान्यताओं के अनुसार मां सती का दाहिना हाथ यहां गिरा था। शाह ने जोर देकर कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद शांति स्थापित होने से घाटी और जम्मू फिर एक बार अपनी पुरानी परंपराओं, सभ्यता और गंगा जमुनी तहजीब की ओर लौट रहे हैं। शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की जमकर पीठ थपथपाई। शाह ने कहा कि जिस शिद्दत से सिन्हा ने केंद्र की सारी फ्लैगशिप योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है, वह प्रशंसनीय है। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में औद्योगिक निवेश लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।